ધ્યાન રાખજે, ફોન કરતો રહીજે. ચિંતા કરો મત. વાહ, પાછો આવે જતી પેલી ફોન કરી દીજે, જો હું તારે મનપસંદ સબ્જી બનાવી રાખું. હા પ્રકાશ, ધ્યાન રાખજો થોડું. भैया जी, ये पता बता दो. हेलो. हाँ भैया जी. हाँ 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 भैया, लिख रहे हैं हम. शुरू पहला वे. हेलो. हाँ भैया जी, बोलिए बोलिए बोलिए. हाँ 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 भैया जी, नौकरी नौकरी लग तो जाएगी ना हमारी. हाँ भैया जी, हम आते हैं आते हैं भैया. નોકરી લગ ગઈ અમારી. ઓહો, આ ગયા પ્રકાશ. ભૈયાજી બોલું તો નહીં ના તુજે આને મેં રસ્તે મેં નહીં બોલ. રિક્ષા વાલે પણ એડ્રેસ દે દીધે થે. અચ્છા ચલ, તૈયાર હો જા, ઇન્ટરવ્યુ થોડી દેર બાદ તેરા. કેસા ઇન્ટરવ્યુ યાર? અરે ઇન્ટરવ્યુ તો દેના પડેગા ના, એસે તો ના લગ જાતી યહાં મે જોબ. ભૈયા ઇન્ટરવ્યુ તો હમ કભી દિયે નહીં. અરે કુછ નહીં હોગા, છોટા મોટા પૂછેંગે, ઘબરાના વાલી બાત નહીં, હો જાયેગા તેરા. અબ ચલ તૈયાર હો જા જલ્દી સે. હા ભૈયાજી, હમ તૈયાર રહેતે. પણ મારી વાત ભૂલે, ખાલી હાથ આવા નથી પાછો, કઈ વર્ણી જાણો તને. હેલો ભાઉ, તીન ચાર દિન માં આપકા જિતના વિડિયો હૈ સબ ચુકા તું. હા એસા કુછ નહીં હોગા, એક બાર પક્કે સે દે દૂંગા. હા પક્કે સે. હા ઠીક હૈ ઠીક. એક બાર ના ચુકા મારે ના. ઇન્ટરવ્યુ મિલ ગયા, મને ડર લગ રહા. કુછ ઉલટા સીધા પૂછ લે તો વહાં પે. અરે ઇતના ક્યા ડર રહા હૈ, થોડા બહોત પૂછેંગે તેરે બારે મેં, બતા દેના. और डर के मारे अकलाने की आदत गई नहीं थी अभी तक. आपको तो होते ही भैया जी. भैया आप नहीं गए नौकरी पे? मैं अभी छुट्टी पर हूँ थोड़े दिन, तू जा लेट हो जाएगा. जी भैया जी, हम जाते हैं. और हाँ सुन, नंबर तो ले जाए. जी भैया जी, वहां जाते इनको फोन कर देना, फोन ले लेंगे तेरा इंटरव्यू. ठीक है भैया जी, जाते हैं. ઓ બાઉ, મેં આપકો તીન ચાર દિન બોલા થા.
तीन चार दिन में रुकने वाला है मैं, मेरे को मेरा पैसा चाहिए अभी एकदम से। तो कैसे करूंगा, मुझे भी चाहिए। ए घंटा टाइम चाहिए तेरे को? उधर मेरा बीवी मेरा दिमाग खराब करके बैठ गया साला, तेरे को टाइम चाहिए? हम साला पैसा तो मैं अभी लेके जाएगा, हो तो ठीक वरना भटक ले जा साला। क्या रे चूतिया समझाया क्या रे मेरे को, जब देखो तब टांगा रहता है सारा। ए, भाव मेरी बात क्या रे? हाँ प्रकाश, हैव अ सीट। सो प्रकाश, टेल मी अबाउट यूर सेल्फ एंड योर लास्ट वर्क एक्सपीरियंस। सर सर, मेरा नाम प्रकाश है सर, और मैं छोटे से गांव से आया हूँ। जगदीश भैया ने मुझे बताया था यहाँ पे काम के बारे में। तुम गांव से हो, विलेज बॉय? जी सर। एंड योर लास्ट वर्क एक्सपीरियंस? क्या सर? आपने पहले कभी जॉब कर रखी है कि ये पहली बार है? पहली बार है सर। जगदीश भैया से है ना बात हुई, चले जाएंगे। क्या कक्का कक्का कर क्या बोल रहा है? अले को थोड़ा सा डराओ क्या, बोलती तो बंद हो जाती है इसकी। कौन देगा इसको नौकरी, वो भी शहर में? तुम है ना, मजाक मत उड़ाओ, नौकरी तो मिलेगी मुझे, यूं मिलेगी वो भी शहर। आई थिंक इट्स नॉट राइट प्लेस फॉर यू। तुमको पैसा किस बात का देता रहे मैं हैं? इस गांडू का ये सारा सामान जब्त कर लो और ले चलो अपने घर। साला सामान लेने तो आएगा ना, जाएगा कहाँ साला? ये वही है ना रे सनी क्योनी गाइस, साला गाय कड़क माल है रे। ये ले चलो, एक दो और है, ले चलो। देख भाई मच्चा शहर, शहर देखने में अच्छा होता है पर अपने जैसे लोगों को वहां मुंह भी नहीं लगा। देख रहे जगदीश भाई ने कहा मेरे को कहीं कहीं नौकरी लगवाई देंगे भाई। जगदीश भाई ये तो है बेंडे, लोगों को चूता बनाना काम है उनका। जब से गांव छोड़ के शहर गए हैं आए तो नहीं वापस, पता नहीं क्या करते हैं वहां पर। मुन्ना मेरा पैसा मेरे को चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कौन है चल पड़ तो? मैं जगदीश। क्या करने को आया इधर? मैं जगदीश भैया भाई, आप कौन? नया क्या रहे इधर को? आ गया तभी देखूं साला। आपके बाऊ नाम मेरा, नाम चलता मेरा आया, समझा ना? आपके बाऊ जगदीश भैया। भाग्य तेरा वो भड़वा जगदीश भाई, पैसा नहीं दिया हराम खोर मेरा चार महीने से, कल्टी हो गया ना तेरा भाई हराम खोर साला।
हमारे बात करा दो भैया। अच्छा बात करा, हम किसी को नहीं जानते। हमारा फोन भी टूट गया, हम खाना भी नहीं खाया, जानते नहीं सर। अंकल जी हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ते अंकल जी प्लीज। अपनी बात साला हराम बोल, ये मारो रे, मारो साला हराम। बात करा दो सर, एक बार बात करा दो भैया, बात करा दो। भाग्य तेरा वो बड़वा जगदीश भाई, बात कर। किसी को नहीं जानते देख भाई, अगर नौकरी मिल भी गई तुझे तो भी कितने टाइम मिल लेगा तुम्हारा? वो सब बात हो गई मेरी भैया से, सब व्यवस्था करती हूँ नौकरी। भाई नया नया सब अच्छा लगता है देखा, जल्दी आ जाएगा तो वहाँ से वापस देख ले। वापस नहीं होगा, अब वही से वादा किया। हाँ भाई क्या जी, हाँ तो चलो चलो खाली बैठना मना है, चलो चलो।
यार है वो बस कल की बातें, वो कल जो था खो दिया। आया मैडम। हाँ मैडम अभी आया। हाँ मैडम मैं गांव जा रहा हूँ। मैडम वो कल भैया आए थे तो उस समय मुझे आप दोनों को देख के मुझे भी मेरी माँ की याद आ गई। एक साल हो गया गांव नहीं गया हूँ ना। मैं तो ये सोच के सर गया था कि अपने माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा बन सकूं। मुझे क्या पता यहाँ आता तो मुझे बचे गए। कुछ बनकर लौटने का वादा करके गया था, एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं बन पाया। किसी के घर में नौकर रहते हुए यह एहसास हो गया कि खुद का घर ही घर होता है। आखिर में वहां किसको किया वादा पूरा करने के लिए रुका था। गांव लौटा तो पाया माँ बाबू जी को खो चुका था। अब शुरू को इस तकलीफ में छोड़ तो नहीं सकता था ना, पर जाता कहाँ? शहर में कोई अपना घर तो था नहीं, और गांव में जो छूट गया था वो महज एक मकान था, घर नहीं।